लालबरा नगर मुख्यालय के सिवनी मार्ग पर स्थित SBI बैंक व सेंट्रल बैंक के ATM से रुपए निकालने आए बबरिया निवासी टेकराम पटले का ATM कार्ड बदलकर एक व्यक्ति ने उनके खाते से 19,000 रुपए निकाल लिए। खाते से रुपए निकाले जाने की जानकारी होने के बाद टेकराम पटले बुधवार को लालबरा थाना पहुंचकर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की। मामले की जांच कर अज्ञात व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की भी उन्होंने मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बबरिया निवासी टेकराम पटले कृषि कार्य करते हैं, जो बुधवार को रुपए निकालने के लिए मजार के सामने स्थित SBI बैंक में ATM में रुपए निकालने गए थे और मशीन में ATM कार्ड से रुपए निकाल रहे थे, परंतु रुपए नहीं निकल रहे थे। तभी उसके पास में खड़े दूसरे व्यक्ति ने उससे कहा कि पुनः ATM कार्ड मशीन में लगाए और पिन नंबर डाले, फिर रुपए निकल जाएगा। तो उसने वैसा ही किया, परंतु फिर भी रुपए नहीं निकले। जिसके बाद टेकराम सिवनी मार्ग स्थित सेंट्रल बैंक के ATM में रुपए निकालने गया तो वह अज्ञात व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे चला गया। जब टेकराम ATM मशीन में ATM कार्ड लगाकर रुपए निकाल रहा था तो वह वहां भी रुपए नहीं निकले, तो वही अज्ञात व्यक्ति ने उनसे पुनः कहा कि ATM कार्ड मशीन में लगाओ और पिन नंबर डालो, रुपए निकल जाएगा। तो वहीं अज्ञात व्यक्ति ने उनसे फिर पुनः कहा कि ATM कार्ड मशीन में लगाओ और पिन नंबर डालिए, रुपए निकल जाएगा, परंतु रुपए फिर भी नहीं निकले। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने ATM कार्ड का पिन नंबर देख लिया और बातों ही बातों में ATM कार्ड भी बदल लिया। इसके बाद टेकराम रुपए नहीं निकलने से परेशान होकर वापस घर चला गया। घर पहुंचकर परिजनों को बताया कि दो ATM मशीन गया परंतु उसके रुपए नहीं निकले। तभी उनके बेटे ने कहा कि आप ATM कार्ड दो, फोन पे नंबर बना देता हूं। जब टेकराम ने अपने बेटे को ATM कार्ड दिया तो वह ATM कार्ड उनका नहीं था, जिसमें दिनेश डोहरे लिखा हुआ था और उनके खाते से 4,000 रुपए निकाल चुके थे। इसका मैसेज उनके मोबाइल पर भी आया। तभी उन्हें संदेह हुआ कि किसी ने ATM कार्ड बदलकर रुपए निकाल लिया, तो उन्होंने तत्कालीन सेंट्रल बैंक शाखा जाम पहुंचकर ATM कार्ड को लॉक करने पहुंचे थे। उससे पहले ही अज्ञात व्यक्ति ने पुनः 3,000 रुपए और निकाल लिए। इस तरह अज्ञात व्यक्ति ने बातों ही बातों में टेकराम पटले का ATM कार्ड बदलकर और पिन नंबर देखकर उसके खाते से जिस ATM मशीन से 4,000 रुपए निकले हैं उसी स्थान से 19,000 रुपए निकाल लिए। ATM कार्ड बदलकर खाते से 19,000 रुपए किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा निकाले जाने से टेकराम खासा परेशान। पुलिस प्रशासन से दोनों ATM बैंक में लगे CCTV कैमरे के फुटेज निकालकर अज्ञात व्यक्ति की पतासाजी कर उस पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। वहीं पीड़ित का कहना है कि उस अज्ञात व्यक्ति के पास 8 से 10 ATM कार्ड रखे हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा है कि वह व्यक्ति नए व्यक्ति जिसको ATM कार्ड चलाना पूरी तरह से नहीं आता उसके साथ धोखाधड़ी करता रहा होगा। ऐसे व्यक्ति पर पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद में कोई अज्ञात आदमी था साइड में खड़ा, मैंने डाला कि उसने ATM पकड़ नहीं रहा था, तो बोलता भैया बोलता है एक बार उसको निकालना बोलता है, और निकालने के बाद बोलता है उसका वो पिन डालो बोलता है और अमाउंट डालो बोलता है। तो ऐसा किया मैंने, क्यों निकला नहीं, ठीक है भैया बोलता है तुम डबल डालो बोलता है, फिर अपने हाथ से मैंने डबल डाला मैंने ATM को, और उसने फिर वो पकड़ा नहीं उसने ATM ने, तो उसने किसी जो साइड में था उसने निकाल के अपने पास रखा उसने, अब भैया बोलता है इसका वो डालो बोलता है, ये कोड नंबर है वो अमाउंट बोलता है, तो उसमें भी निकला। तो मैंने उसको बोला मैंने भैया नहीं निकल रहा है, मैंने बोला अपन कोई मतलब नहीं बोला यहाँ पे, जो बात ट्राई कर ली थी मतलब नहीं बोला, मैं वहाँ से निकल गया, वो भी निकल गया वहाँ से। उसके बाद में फिर वो बाहर वो खड़ा था, किसी से बात कर रहा था वो, दो तीन लोग थे उसके साथ में, तो मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट किया, मैंने बोला सेंट्रल बैंक ATM में जाऊँगा, मैंने बोला वहाँ से निकालूंगा। उसके बाद में वो भैया बोलते कहाँ जा रहा है, तो मैंने बोला दूसरे वाले ATM में जा रहा हूँ, मैंने बोला भैया बोलता मैं भी आ रहा हूँ बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं मेरे को भी निकालना है। अरे आपके साथ में वो दो ATM पहुँचा क्या? हाँ, पहले कहाँ गए थे आप? पहले हम मजार वाले के पास गए थे जी, फिर उसको सेंट्रल बैंक वाला जी जी मजार के पास SBI वाला। उसके बाद में फिर वहाँ नहीं निकला, हमने बोले वहाँ चले गए अपन। वहीं दूरभाष पर चर्चा करने पर थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा ने बताया कि बबरिया निवासी टेकराम पटले ने शिकायत की है कि बुधवार को वह ATM मशीन में रुपए निकालने आया था, इस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ATM कार्ड बदलकर 19,000 रुपए उसके खाते से निकल गए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर साइबर सेल के माध्यम से मामले की जांच शुरू कर दी है और क्षेत्रीय जनों से अपील की कि किसी अज्ञात व्यक्ति को अपना ATM पिन व नंबर न बताएं।